हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हो रही है सीएसएस को लेके। काफी डिस्कशन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, काफी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, और आज उसी कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि यदि मुझे मल्टीपल इमेजेस में बॉर्डर सेट करना है या मार्जिन सेट करना है। तो टेक्स्ट के लिए तो हमने मार्जिन का कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन अगर सपोज यू हैव अ मल्टीपल इमेजेस एंड यू वांट टू सेट मार्जिन इन बिटवीन दैट, यदि मुझे बॉर्डर सेट करना है तो किस तरीके से हम इमेजेस पे मार्जिन या बॉर्डर सेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, तो यहां पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं एंड दिस इज इमेज टेस्ट इमेज डॉट html, राइट। और यहां पर हमने हमारे बेसिक टैग्स सबसे पहले ले लिए, दिस इज html/html, और यहां पर हमने ले लिया हेड टैग एंड दिस इज /head, ओके। और हमने ले लिया टाइटल टैग, दिस टाइटल, और टाइटल में हमने दे दिया इमेज मार्जिन, ठीक है, एंड दिस इज /title। लेट्स सी कि यहां पर अगर हम दो इमेज या दो से ज्यादा इमेज भी हो सकती है, नॉट टू इमेज, यदि मान लो मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं और यदि मुझे इमेजेस को प्रॉपरली सेट करना है मार्जिन के साथ, तो लेट्स सी हाउ वी कैन सेट दिस इमेजेस। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी दो इमेज अपने फोल्डर में रखी हुई है, एक सी दिस वन, दिस इज फर्स्ट इमेज एंड दिस वन इज माय सेकंड इमेज। तो यदि इन इमेजेस को मुझे अपने पेज पे लेके आना है, तो सबसे पहले तो हमने इमेज टैग पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर img, और यहां पर हमने दे दिया src इक्वल टू doc.jpg, दिस इज माय फर्स्ट इमेज, और ये मैं लेके आ गया अपनी सेकंड इमेज, इसका नाम है सपोज fox.jpg। तो यदि मान लो दो इमेजेस आपके पास हैं, तो लेट्स सी अभी हम पहले ये देखते हैं कि दो इमेजेस को लाने के बाद मेरा पेज जो है वो मुझे कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। देखिए, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इधर राइट में स्पेस ज्यादा है, इधर लेफ्ट में मार्जिन नहीं है, टॉप से बॉटम से मार्जिन, ठीक है। और यहां पर आप चाहें तो सबसे पहले अपनी इमेज की विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, तो वो तो हम डायरेक्टली यहां से भी सेट कर सकते हैं, स्टाइल से भी सेट कर सकते हैं। यदि मान लो मैंने लिख दिया 500 pixels, अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली इनकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूं 500 by 500, ये मैंने पहली इमेज की विड्थ और हाइट को सेट किया, एंड सिमिलर हमने सेकेंड इमेज की विड्थ और हाइट को सेट किया। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू सी दिस पेज, ठीक है, कि अब मैं इसको देखता हूं ब्राउजर पे, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको सेंटर में लेके आ जाता हूं, तो ये थोड़ा सा और हमें प्रॉपर लुक दे देगा, तो दिस इज /center। सो लेट्स सी, अब मैं इसको देखता हूं, तो ये पेज मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट सी देयर इज नो प्रॉपर मार्जिन इन बॉटम राइट लेफ्ट, और इनके बीच में भी मार्जिन नहीं है। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, इस इमेज पे सबसे पहले तो बॉर्डर लेके आनी है, एंड आफ्टर बॉर्डर अब मुझे इस पर मार्जिन सेट करना है, राइट। तो यहां पर अब हमने सबसे पहले हेड में जाके हमारी स्टाइल शीट क्रिएट की है, ठीक है, तो स्टाइल एंड दिस इज /style, ठीक है। और यहां पर हम बनाते हैं दो अलग अलग क्लास, या तो आप क्लास बना सकते हैं, आईडी ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आईडी ले लेते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया आईडी हैश के साथ हमने इसको स्टार्ट किया, एंड दिस इज द नेम इज कॉल्ड बॉर्डर, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया बॉर्डर 1। और अब मैं इसमें सेट करता हूं सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल, तो हमने लिख दिया बॉर्डर, तो बॉर्डर हमने ले ली सपोज इसकी 10 pixels, ठीक है, और बॉर्डर का जो कलर है, ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि बॉर्डर किस तरीके से सेट करना है। मैंने इसको ले लिया सपोज ब्लू वायलेट, ठीक है, और फिर हमने ले लिया यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल सपोज, तो बॉर्डर स्टाइल हमने ले लिया सपोज दिस इज डबल, ओके। तो ये मेरा पहला बॉर्डर है, अभी तो मैंने केवल बॉर्डर लेके आया हूं, और सेम हम एक और आईडी क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, ये है बॉर्डर 2 10 pixels, और इसको मैं कर देता हूं सपोज कलर में ब्राउन या ब्लैक ले लेते हैं, चलिए इसको, ठीक है। तो ये दो बॉर्डर अब मुझे यहां पे सबसे पहले अपने इमेजेस पे सेट करनी है। तो यहां पर आपको बताया, हमने बात की थी कि देयर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल द टेक्स्ट कॉल्ड आईडी, यदि आप आईडी को यूज कर रहे हैं, अगर आपने यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, ओके, सिलेक्टर हमारे पास क्लास सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर है, तो यहां पर मैंने आईडी सिलेक्टर लिया है, तो अगर मैंने आईडी सिलेक्टर लिया है मतलब मुझे आईडी बताना है, दिस इज बॉर्डर 1, ठीक है, और यहां पर आपने आईडी ले लिया सपोज दिस इज आईडी इक्वल टू बॉर्डर 2, ठीक। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू सी माय इमेजेस, अब मैं अगर अपनी इमेज देखता हूं, देखिए मैंने दोनों में बॉर्डर सेट कर दिया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, तो आप थोड़ा सा प्रॉपर लुक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने दोनों इमेजेस पे
बॉर्डर सेट कर दी है और इन दो बॉर्डर्स के लिए हमने ऑलरेडी दो आईडी सिलेक्टर्स क्रिएट किए हुए। तो अब अगर मैं अपनी इमेजेस देखता हूं तो आई एम सी दिस वन, ये दोनों पे बॉर्डर आ गई है। और अगर आप चाहते हैं एक जैसी बॉर्डर लेके आना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कलर सेम कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट कलर आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आप इनको कलर सेम कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर कलर सेट कर दिया तो यहाँ पर अब दोनों बॉर्डर के कलर बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो फिर अब इसके लिए अगर आप सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आईडी के बजाय क्लास बना लीजिए, क्योंकि आईडी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक टैग पे एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं पेज पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम क्लास भी ले सकते हैं अगर आपको दोनों की प्रॉपर्टी सेम रखना है। लेकिन नाउ द मेन थिंग इज दैट कि अब मुझे इस पर सेट करना है मार्जिन। तो आप देखिए मार्जिन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि मार्जिन, हम अगर आपने मार्जिन के पिछले लेक्चर को पढ़ा है तो वहां पर मैंने मार्जिन शॉर्ट हैंड भी आपको बताया था। लेकिन यहां पर मार्जिन शॉर्ट हैंड की बजाय अगर हम बात करें कि मैंने मार्जिन टॉप से ले लिया सपोज 20 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ओके। देन सेकंड मार्जिन हमने ले लिया सपोज राइट से, एंड दिस राइट इज 25 पिक्सल सपोज, एंड देन मार्जिन बॉटम से हमने ले लिया, दिस इज मार्जिन बॉटम, और बॉटम से मार्जिन आपने ले लिया सपोज 30 पिक्सल्स, ओके। एंड देन हमने ले लिया मार्जिन राइट सॉरी लेफ्ट से, तो मार्जिन लेफ्ट हमने ले लिया सपोज 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है, अब इसके बाद आपने मार्जिन अप्लाई किया बॉर्डर वन पे, तो लेट्स सी बॉर्डर वन पे मार्जिन अप्लाई करने के बाद अब मैं अगर इसका इफेक्ट देखता हूं तो ये देखिए आप मुझे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। नाउ इट्स अ गैप बिटवीन दिस टू इमेजेस, ओके। और सेम मार्जिन अगर मैं शॉर्ट हैंड से लेना चाहता हूं तो मैं शॉर्ट हैंड से भी ले सकता हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, मार्जिन 20 पिक्सल्स, देन 25 पिक्सल्स, दिस इज 25 पिक्सल्स, देन 30 पिक्सल्स, एंड देन 25 पिक्सल्स अगेन। तो ये मार्जिन आपने शॉर्ट हैंड में ले लिया है। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, वी कैन गो फॉर दिस वन आल्सो, या फिर हम शॉर्ट हैंड हमने पढ़ा है तो हम शॉर्ट हैंड को भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर सेम मार्जिन को मैं यहां से सेकंड पे भी कॉपी कर लेता हूं, राइट। अब आप देखिए जब दोनों को ऑप्शन हमें सेम लग रहा है तो रादर देन क्रिएट बॉर्डर एज अ आईडी सिलेक्टर, यहां पर आप इसको क्लास सिलेक्टर यूज कर लें। क्योंकि आईडी सिलेक्टर आप तब ले जब आप दो अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग लगा था कि हम कलर चेंज करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, लेकिन जब लुक एंड फील हमने देखा तो हमें ये लगा कि दोनों का स्टाइल सेम होना चाहिए, सो लुक एंड फील प्रॉपर आएगा। तो यहां पर हमें रन टाइम पे कई बार डिसाइड करना पड़ता है सी दिस वन नाउ, कि नाउ यू कैन फाइंड दिस, देयर इज अ गैप स्पेस बिटवीन दिस टू, इक्वल स्पेस यहां पर अब हमें दिख रही है टॉप से बॉटम से, ठीक है, लेफ्ट से। तो यहां पर दिस इज व्हाई, बिकॉज वी सेट द मार्जिन इन दिस इमेज, एक्चुअली कि हमने इमेज पे बॉर्डर सेट कर दिए, हमने इमेज पे मार्जिन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मार्जिन जब आपने सेट किया तो इस मार्जिन को अब आप देखिए, रादर देन मैं इसको दो अलग अलग बनाऊं, मैं इसको क्लास बना लेता हूं, तो आई एम जस्ट गोइंग डॉट डॉट हियर। तो इसके लिए मुझे आईडी की बजाय यहां पे क्लास यूज करना है, दिस इज क्लास एंड दिस इज क्लास। क्योंकि आईडी जनरली हम तब लेते हैं जब आपको कॉमन कोई आप ऐसा टैग यूज कर रहे हैं विच इज वन इन ऑल द पेज, लेकिन इमेजेस तो मल्टीपल हो सकती है। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं एक और इमेज लेके आता हूं, If I'm going to set one more image, suppose वो fox image ही ले लेते हैं हम, तो ये कुछ look and feel इस तरीके से आएगा आपको, ठीक है? Okay, this is border one, border one, and border one. See. So in this way you can set multiple images in your page with the proper border, proper margin. तो यदि आपको ऐसी application create कर रहे हैं जो हम बनाएंगे आगे, कि जहाँ पर आपके page में multiple images हैं, like gallery अगर आप बना रहे हैं, ठीक है? If you can set your gallery, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर ये मल्टीपल इमेजेस हैं, अगर मान लो आप कोई वाइल्ड लाइफ गैलरी बना रहे हैं, ओके, तो वाइल्ड लाइफ गैलरी के लिए आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक दो इमेजेस और आपको बताता हूँ। सी दिस वन, सपोज डी ड्राइव ओपन सीवी में हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ इमेजेस हैं, तो यहाँ से हम कुछ इमेज ले लेते हैं, मान लो डियर की इमेज हम ले लेते हैं, और यहाँ से हमने ले लिया सपोज लॉयन इमेज, राइट। तो ये इमेजेस अगर मैं अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूं, जो अभी हम फोल्डर पे काम कर रहे हैं, सी ड्राइव माय एचटीएमएल, सॉरी डी ड्राइव में माय एचटीएमएल, ये मेरा फोल्डर है। तो यहां पर मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए कॉपी करने का केवल एक एडवांटेज ये है कि आप इसको, मैं थोड़ा सा नेम सिंपल कर देता हूं, इट इज डियर डॉट जेपीजी, और एक हमने ली थी वाइल्ड लाइफ टाइगर, तो इसका रीनेम हम कर देते हैं टाइगर डॉट जेपीजी, ठीक है। तो अब ये अगर दो इमेज आपने लिए तो ये इमेज आपको अपने पेज पे यहां पर भी दिख जाएंगे, सी दिस वन, ये डियर डॉट जेपीजी। तो यहां पर मैंने एक इमेज ले ली डी डब्ल्यू आर डियर डॉट जेपीजी, और एक आपने ले ली यहां पे सपोज
टाइगर डॉट जेपीजी। तो यहां पर अब अगर आप इसको रन करते हैं, सो यू कैन से ये देखिए ये प्रॉपर आपको एक जैसे लुक एंड फील में आपकी गैलरी डिजाइन होगी कि आपके सारी इमेजेस एक जैसी विड्थ और हाइट पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर फॉर्मेट को लाने के लिए यू हैव टू सेट द प्रॉपर मार्जिन एज वेल एज बॉर्डर ऑफ द इमेजेस। कि आपको इमेजेस की बॉर्डर प्रॉपर सेट करनी पड़ेगी, आपको मार्जिन प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इमेजेस एक पेज पे लेके आ सकते हैं। यदि मैं इसकी विड्थ और हाइट और थोड़ी कम कर देता हूं, सपोज इसको मैंने कर दिया 300, ठीक है, दिस इज अगेन 300, तो सी रन टाइम पे कई बार हमें चेंज करना पड़ता है कि आपकी इमेजेस जो हैं वो अगर प्रॉपर लुक एंड फील में नहीं आ रही है तो आप उसकी विड्थ और हाइट चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यदि अब मैं इसको देखता हूं, हालांकि हम विड्थ और हाइट के लिए भी स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल अभी फोकस किया है मार्जिन और बॉर्डर पे। तो आप देखिए ये मेरी इमेजेस मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है, विद प्रॉपर मार्जिन विद प्रॉपर डिस्टेंस। सो दिस इज हाउ वी कैन सेट द बॉर्डर एंड मार्जिन विद इमेजेस। कि जब भी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, और ये मोस्टली यूज होता है जब आप कोई गैलरी क्रिएट कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी गैलरी, सो दैट वी विल गो फॉर सच टाइप ऑफ इफेक्ट। और यदि आपको लगता है कि इस पर क्लिक करने पर मुझे कोई नया पेज ओपन करना है जो मुझे इस डॉग की डिटेल शो कर दे, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है आप हाइपर रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो मान लो अगर मैं इसके आगे, मान लो एक ही पे मैं आपको बताता हूँ, ए टैग को यूज कर लेता हूँ, ए एंड देन स्लैश ए, ठीक है। यहाँ पर हमने ए और स्लैश ए को यूज कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, सिंपली मैंने हाइपर रेफरेंस लगा दिया ए एच आर ई एफ, और सपोज मैं यहाँ पर अभी कोई भी एक नया पेज ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया दिस इज टेस्ट anything, test margin, ये पेज उससे रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी, टेस्ट मार्जिन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये मैंने एक पेज ले लिया, तो अब आपकी जो पहली डॉग इमेज है, लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ, एंड सी दिस वन, ये मेरा हाइपर रेफरेंस बन गया है, एज आई क्लिक ऑन दैट इट विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ऐसे आप अपनी हर इमेज पे कोई ना कोई डिटेल सेट कर सकते हैं, कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको इस पर्टिकुलर इमेज की डिटेल बतानी है, जस्ट उसको आप हाइपर रेफरेंस सेट कर दीजिए और उसके पीछे कोई ना कोई टेक्स्ट फाइल आप सेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ गैलरी, कि हमें गैलरी किस तरीके से बनाएंगे विद द प्रॉपर इमेज विद द प्रॉपर मार्जिन। सो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इजी है, बहुत आसान है। एक बार आप इसके कोड को देखिए, सिंपली हमने क्या किया, एक स्टाइल शीट हमारी क्रिएट की विद द बॉर्डर नेम और मल्टीपल इमेजेस में हमने इसको अप्लाई कर दिया। और अगर आपको लगता है कि आपको सारी इमेजेस के विड्थ हाइट अलग अलग रखना है, आपको इमेजेस के बॉर्डर स्टाइल कलर चेंज करना है, सो आप अलग अलग क्लास टैग यूज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर डिफरेंट क्लास हियर, लेकिन फिलहाल मैंने एक ही क्लास को यूज किया है, राइट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं बेटा। इसको जितना आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ पढ़ोगे, चीजें आपके लिए उतनी आसान रहेंगी। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि यहां चीजें देखने से उतनी बेटर समझ में नहीं आएंगी जितनी आप इसको प्रैक्टिकल करके समझोगे। और यदि आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आप देख के कैसे पेजेस बनाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, देन यू हैव टू राइट अ कोड फॉर दैट, राइट। तो बने रहिए इस कोर्स में, प्रैक्टिकल करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।